हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में इस बार हम करेंगे वो सेंटेंसेस जो क्लासरूम में बोले जाते हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए एक बहुत ज़रूरी है। कुछ एक सेंटेंसेस हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं, तो वो आप हिंदी की बजाय अंग्रेजी में बोलना शुरू कीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा और बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। ए रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Okay, so these are some of the sentences which we can speak in classroom. So, introduction से शुरू करते हैं अपने। पहला sentence है हमारा, I am your new English teacher. इसकी हिंदी होगी, मैं आपका नया English teacher हूँ। तो आपको क्या करना है, मैं हिंदी बोलूँगा पहले sentence की, फिर 4 या 5 सेकंड बाद मैं उसकी English बोल दूँगा। इस बीच अगर आपको वो sentences आता हो तो आप बोल दीजिए, बाद में मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। नहीं आता हो उस सेंटेंसेस को याद कर लीजिए और फिर एक बार फिर से मेरा वीडियो देखिए और दोबारा जो मैं सेंटेंस बोलता हूँ हिंदी में उसको अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कीजिए। तो जब तक सारे सेंटेंसेस याद ना हो जाए तब तक आप सेंटेंसेस याद करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। तो एक टाइम ऐसा आएगा तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस याद हो जाएंगे और आपको किसी भी सेंटेंस को बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, उसको मन में कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ेगा। जब अंग्रेजी हम बोलते हैं तो हमारे सामने यही दिक्कत आती है कि पहले दिमाग में हमारे हिंदी सेंटेंस आता है, उसके बाद हम इंग्लिश बनाते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी वर्ब लगेगी, कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, इतने में टाइम निकल जाता है और हम बोल नहीं पाते हैं। तो क्यों ना कुछ एक ऐसे सेंटेंसेज जो हमेशा यूज़ होते हैं डेली कन्वर्सेशन में, उनको हम अच्छे से याद ही कर लें। याद करने से क्या होगा कि हमें वर्ब बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा और कई तरह के पैटर्न के सेंटेंसेस जब हमें याद हो जाएंगे तो हमें सिर्फ वर्ड्स चेंज करने होते हैं और हमारे जो सेंटेंस का जो भंडार है वो बढ़ता चला जाएगा, बोलने में फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सबसे बेस्ट वे है स्पोकन इंग्लिश सीखने का। ओके, तो जैसे ये सेंटेंस था, मैं अब इसकी हिंदी बोलता हूँ, मैं आपका नया इंग्लिश टीचर हूँ। आई एम योर न्यू इंग्लिश टीचर। तो ये जो बीच में मैंने गैप रखा है इसमें आपको बोलना है इंग्लिश बना करके, फिर मेरी आवाज को सुन करके अपने आंसर को चेक कर लेना है। ओके, मैं इस साल तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा। आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश दिस ईयर। पिछले शुक्रवार तुम अनुपस्थित क्यों थे? Why were you absent last Friday? आज सलमा को क्या परेशानी है? अगर सलमा आज नहीं आई है तो हम ये बोल सकते हैं, What's wrong with Salma today? तुम 10 मिनट लेट हो। You are 10 minutes late. तुम लेट क्यों हो? Why are you late? ऐसा दोबारा मत करना। Don't let it happen again. कृपया बात बंद करें। Please stop talking. आओ पिछले पाठ को दोहराएं। Let's review the last lesson. मेरे प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करिए। Try to answer my questions. पृष्ठ 60 से शुरू करते हैं। Let's start at page 60. इसे अपनी नोटबुक में लिख लें। Write this down in your notebook. मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करिए। Try to answer my questions. क्या आपको कुछ पूछना है? Do you have any questions? जिसको
को उत्तर पता हो वो अपना हाथ ऊपर करे। Raise hands those who know the answer। जोर से बोलिए। Speak loudly। ढंग से बैठो। Sit properly। कल हम पाठ 6 पढ़ेंगे। Tomorrow we will study lesson 6। आज के लिए इतना ही। That's all for today। मुझे ध्यान से सुनो। Listen to me carefully। सीधी कतार बनाए। प्लीज मेक ए स्ट्रेट लाइन। तो ये थे कुछ सेंटेंसेस जो हम क्लासरूम में बोलते हैं। इसका दूसरा पार्ट भी आपको मिलेगा। अभी बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम स्कूल और क्लासरूम में बोलते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर लेसन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।